चैन। तो मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि है स्किन केयर के ऊपर, और ये मैंने करीबन 15 डेज यूज़ किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप। सो गाइस, ये है बाओ साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश जो कि बहुत अच्छा है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 100% ऑर्गेनिक है, 100% रियल है और बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके स्किन के लिए। पहली बात, ये सब स्किन पे सूट होते हैं, आज चाहे ऑयली हो, नॉर्मल हो, कोई भी स्किन हो तो सब स्किन पे ये सूट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एप्पल साइडर विनेगर, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोलिक एसिड एंड प्रो विटामिन B5। तो ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस फेस वॉश के अंदर हैं, और ये बहुत ही यूज़फुल है। आपके जो स्किन है उसको हाइड्रेट रहता है, हाइलुरोनिक एसिड है स्किन को हाइड्रेट ऑल द टाइम्स, ठीक है। दूसरा एलोवेरा, आपको तो पता है एलोवेरा के क्या बेनिफिट्स है स्किन के लिए, ठीक है। और एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर का एक अलग सा एक बॉटल भी आता है, वो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, कोई कोई एक चम्मच पानी में घोल के पीता है, और वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आपका स्किन बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है, और आपके जो पोर्स है, जो डेड लॉक्स है या फिर पोर्स है, तो उसको ओपन करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, और आपका जो पिंपल है, अगर पिंपल्स बहुत होते हैं, एनके होता है, ठीक है, तो वो सारे को स्लो डाउन करता है, नहीं तो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। ओवरऑल पीरियड लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली यूज़ करोगे तो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपको पता चलेगा, अपना फेस आप देखोगे पहले कैसा था अभी कैसा है। तो डिफरेंस आपको तभी भी पता चलेगा जब आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे, और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे वन टाइम ही यूज़ करो, क्योंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम है जो मैंने यूज़ किया है उसके बाद मुझे पता चला कि ना, ये आप यूज़ करने के बाद आप देखोगे कि ना आपकी स्किन है ना थोड़ी सी ड्राई ड्राई लगेगी, ठीक है। ये है ना आपका मॉइस्चर जो है ना उसे भी सोख लेता है, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा कि आप ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद, अगर आप मॉइस्चराइज़र कोई भी यूज़ करते हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगाते हो, तो वो आप मॉइस्चराइज़र लगा लो आफ्टर वॉशिंग योर फेस, ठीक है। तो आफ्टर वॉशिंग योर फेस आप मॉइस्चराइज़ लगा लो, अच्छे से मालिश कर लो, तो आपका स्किन बहुत ही सॉफ्ट लगेगा, और है ना बहुत ही अच्छा आपको फील होगा, एकदम रिफ्रेशिंग लगेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि इसके साथ है, जो मैंने फेस किया है, कि अगर जो लोगों की ड्राई स्किन है तो उन लोगों को ये नहीं सूट होगा आई थिंक, क्योंकि ड्राई कर देता है ना, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि ये यूज़ करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद आपका स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो वेल एंड गुड, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं करती हूँ, मैं ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, ठीक है। मैं जियो का जॉय का एलोवेरा लगाती हूँ, आलमंड का, तो वो चीज़ भी मैं शेयर करूँगी बाद में एक अलग से वीडियो में। तो वो मॉइस्चराइज़र में लगाती हूँ आफ्टर वॉशिंग माय फेस, ठीक है। और इसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वन टाइम यूज़ करो तो रहेगा। और ये फेस वॉश आपको दावा करता है कि बैलेंस करेगा आपके स्किन ऑयल को, और हेल्दी पीएच लेवल को रिस्टोर करेगा, हमारी स्किन का जो पीएच लेवल है उसे भी इम्प्रूव करेगा। तो ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, और इसमें एक फ्रेगरेंस है जो कि है ना एप्पल का जो फ्रेगरेंस आता है, तो वही फ्रेगरेंस आपको थोड़ा बहुत मिलेगा इस फेस वॉश के अंदर। और यहाँ पे बोला गया है कि पैराबेन फ्री है, कोई सिलिकॉन, कोई मिनरल्स नहीं, कोई तरह का केमिकल इसमें नहीं है, ये ऑर्गेनिक है पूरा 110%, ये रियल एंड ऑर्गेनिक है। तो ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फायदेमंद है हमारे स्किन के लिए। और ये फेस वॉश है 100 ml का, 100 ml का ये फेस वॉश है, इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। अगर आप इसका प्राइस वैसे है 249 rupees का, ठीक है, तो इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है।
और दूसरी चीज के अगर आपको स्किन पे बहुत सेंसिटिव स्किन है आपकी, जल्दी इफेक्ट आ जाता है कुछ भी, तो आप पहले टेस्ट कर सकते हो हाथ में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेना है हाथ में, ऐसे रब करके आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो कि आपके स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं। अगर अच्छा लगे तब ही आप अपने स्किन पे लगाना, ठीक है। अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो आपको इस ट्यूब में मिलेगा इस तरह सा, ठीक है। और ये बहुत ही टाइट सील है, तो आप इसके साथ ट्रैवल भी कर सकते हो, यहाँ से कोई भी लीक नहीं होगा। आपका जो अंदर का मटेरियल है वो लीक नहीं होगा, ये बहुत ही टाइट सील है। और अगर लेना किस तरह से है आपको, तो आपको इस तरह से ओपन करना है, ठीक है। और अपने हाथ में थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा लेना है आपको, इस तरह से लेने के बाद आप हाथ में देखिए, ये बहुत ही, देखो एकदम चिपचिपा नहीं है और बहुत ही अच्छा। सो गाइस, अभी मैं ये फेस वॉश अपनी स्किन पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मेरा फेस मेकअप वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये फेस वॉश कैसा रहता है इसमें, ठीक है। तो अभी मैं ओपन कर रही हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जस्ट थोड़ा क्वांटिटी मैंने लिया है इधर, तब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप पहले है ना थोड़ा सा पानी ले लेना, ठीक है। आप तो फेस पे अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सा पानी ले लेना पाम पे, ठीक है, जहाँ पे आप फेस वॉश का वो प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। फिर आप फेस पे अप्लाई करना, देख रहे हो अपने फेस पे पूरा अप्लाई कर रही हूँ। और इसकी स्मेल एप्पल जैसी है, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। आइए चलिए अब वॉश करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं फेस वॉश करके आई हूँ और मुझे स्किन बहुत ही मेरा फ्रेश लग रहा है एकदम से, और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा कम है फेस का, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा रफ़ लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि है ना, अभी तुरंत जाके मॉइस्चराइज़र लगाने वाली हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये फेस वॉश मैं 5 में से 4 स्टार दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप जैसे देख रहे हो, पूरा मेकअप मेरा चला गया है, ठीक है, और फेस एकदम से क्लीन हो गया है, पूरा क्लीन, और बहुत ही रिफ्रेश फील हो रहा है मुझे। तो जल्दी ही आप भी ट्राई करना ये घर पे, आपको भी अच्छा लगेगा। बस खाली 1 स्टार इसलिए कम दे रही हूँ क्योंकि ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना थोड़ा मॉइस्चराइज़र मेरा फेस का कम हो गया है, तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा दूँगी तो फिर ओके हो जाएगा, एकदम परफेक्ट, रेडी टू गो, ठीक है। अच्छा लगा।